अरे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जिस वीडियो का था आपको इंतज़ार बच्चों, वो मैं लेकर के आ गया हूं। ट्रिक्स का बाप, यानी कि ऐसी ट्रिक्स जो कर देंगी आपके पूरे पेपर का सिस्टम हैंग। अब वो किस तरह से बच्चों, पूरा जो 6 से 7 साल का अनुभव था और मतलब पिछले एक हफ्ते से मैं ये सोच रहा था कि जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है, क्या वो भी पास हो सकता है? तो बिल्कुल पास हो सकता है भाई। तो आप सभी सबसे पहले अपने डर को समाप्त कर दीजिए बच्चों। एक भी बच्चा, मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, आपके फेल होने का सिर्फ एक कारण है कि आपका डर जाना। सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बताएंगे, क्योंकि बच्चे दो टाइप के हैं। एक जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और जिन्हें एग्ज़ाम में टॉप करना है उनके लिए, दूसरी बात उनके लिए बताएंगे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, एग्ज़ाम को बच्चों 3 लेवल में करना है। अब 3 लेवल में किस टाइप से करना है? सबसे पहले जब भी आपके पास एग्ज़ाम आए तो केवल जैसे 5 सेक्शन होंगे बच्चों, तो 5 सेक्शन को देखना है और पहले सेक्शन से मतलब जब पहली बार आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करोगे तो केवल आपको 5 सेक्शन में वो ही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन पर मत अटक जाना बच्चों जो आपसे नहीं आता है, यानी कि जब पहला टाइप चलेगा तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे सटीकता से आते हैं। मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में बच्चों आपने 30 क्वेश्चन करे पूरे 5 सेक्शन में, ठीक है। अब दूसरे अटेम्प्ट में क्या करोगे आप बच्चों? दूसरे अटेम्प्ट में उन क्वेश्चनों को करना जिनमें आपकी 50-50 की कन्फ्यूज़न है। उस 50-50 की कन्फ्यूज़न से मान लेते हैं आपने 20 से 30 क्वेश्चन उसमें कर दिए, तो बच्चों जब आपका इतने मार्क्स आ जाएंगे, 50 से 60 मार्क्स आ जाएंगे और आपके पास बचा होगा टाइम, तो बच्चों जैसे ज़िंदगी में टाइम का बहुत महत्व है, ऐसे ही एग्ज़ाम में टाइम का बहुत महत्व है। तो आपसे वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो आपसे नहीं आते होंगे। वो कैसे? क्योंकि आपने बचा लिया है बच्चों टाइम, और जब आपने टाइम बचा लिया है बच्चों तो आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लें, कभी ऐसा काम ना करें कि आप सीधे ही उन क्वेश्चनों पर लग जाएं जो आपसे नहीं आते हैं। 3 अटेम्प्ट में करना है। पहले अटेम्प्ट में जो अच्छे से आते हैं, आपको लगता है जैसे CDP है, पहले CDP का पोर्शन आपने स्टार्ट किया, तो CDP में आपसे मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन हुए। अब दूसरे अटेम्प्ट में मान लेते हैं 6 से 7 क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूज़न हुई, फिर उनको करो। फिर जब बच्चों तीसरा अटेम्प्ट करोगे तो जैसे 7-8 क्वेश्चन बचे होंगे उनको भी आप इजीली कर जाओगे और आपसे टाइम भी पूरा बचेगा और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को निकाल जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है उनके लिए क्या है, या जिनने तैयारी की भी है और मुझे टॉप करना है। मान लेते हैं आपसे 130 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक काम और करना है भाई। सबसे बड़ी बात, आपको एक भी एग्ज़ाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बच्चों नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। तो कोई भी बच्चा एक सिंगल क्वेश्चन चाहे आपसे आता है चाहे आपसे नहीं आता, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सभी बच्चे को 150 में से 150 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं बताता हूँ किस तरह से बच्चों, जितने क्वेश्चन आपसे आए उतनों को कर देना। जैसे आपको लगता होगा कि आप 82 पर पास होते हो, लेकिन नहीं बच्चों, 82 पर आप पास नहीं होते हो। जो जर्नल वाले हैं उनको लगता है 90 नंबर पर पास होते हो। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप केवल 60 मार्क्स ले आना। कितने मार्क्स ले आना? 60 मार्क्स भाई, आपको 82 नहीं लाने। कितने जिन बच्चों को पास होना है ये उनके लिए है बच्चों, आपको 60 मार्क्स लाने, ठीक है। आपसे 150 में से केवल 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब आप 60 क्वेश्चनों को कर दो तो जो 90 क्वेश्चन बचेंगे भाई, 60 आपने कर दिए, 150 मार्क्स का पेपर है, तो क्वेश्चन कितने बचे? 90 बचे। तो 90 पे एक ही ऑप्शन को अगर आप टिक कर दोगे तो कम से कम आपके 22.5 नंबर एक एवरेज से निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा ही होगा,
कम नहीं होगा। तो 22.5 नंबर ये हो गए, 60 नंबर ये हो गए, तो इससे हो गया है ये 82.5। कितना हो गया है बच्चों? 82.5। तो आप एग्जाम क्लियर कर गए। ऐसे ही वो बच्चे जो जर्नल के हैं, अगर उन्होंने 70 क्वेश्चन कर लिए तो भी उनका काम हो गया। ये ही ट्रिक पेपर 2 के लिए है। अब किस तरह से, 5 सब्जेक्ट है, आपसे 2 ही सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं अच्छे से? 2 ही। मान लेते हैं आप CDP और हिंदी में 30-30 क्वेश्चनों को कर दोगे, आपने 30-30 क्वेश्चनों को कर दिया, यानी कि 60 नंबर आपके पक्के हो गए। मान लेते हैं क्वेश्चन बचे 90, वो आपसे आते ही नहीं है। मान लेते हैं आपसे इंग्लिश नहीं आती, SST नहीं आती, या इंग्लिश नहीं आते, मैथ साइंस नहीं आते, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की। अब मैं ये मान लेता हूँ 60 क्वेश्चन इसमें करने के बाद बाकी के सेक्शन में आपसे 5-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 5-10 क्वेश्चन ये हो गए भाई, तो 60 में ये कितने हो गए मार्क्स? 70। अब क्वेश्चन बचे 80। अगर 80 पे एक ऑप्शन भी मार दोगे बच्चों, तो कम से कम 20 मार्क्स, 20 से ज़्यादा ही आएंगे, कम से कम 20 मार्क्स आएंगे। और 70 और 20 90, तो आप पास हो जाएंगे बच्चों। एक काम आपको ध्यान से करना है, कभी भी ऑप्शन को टिक मारो। जब पहले तो आप अपना पूरा पेपर कर लेना, जिस तरह से आपसे एग्जाम आता है उन सब क्वेश्चनों को कर लेना बच्चों। कम से कम आपसे 60-70 क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए राइट। उसके बाद जैसे ये मैं एक पेपर लेता हूँ, ठीक है, मैंने जो वर्क किया है इस पेपर पर, जो ये OMR सीट हो, एक ही ऑप्शन को टिक कर देना है बस। अगर आपने 80 क्वेश्चनों पर एक ही ऑप्शन टिक कर दिया, एवरेज बैठ रहा है 20, लेकिन आप सबसे जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 की है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप 25-30 मार्क्स भी ला सकते हो। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शन टिक कौन सा करना है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। अब मान लेते हैं एग्जाम आपके सामने है, आपको देखो दो तरीके हैं। कभी भी ऐसे गोला मत मार देना कि एक ऑप्शन पे ए मारो, एक ऑप्शन पे बी मारो, एक पे सी। पहली बात तो ये, जब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ CTET में, तो जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हो, जिस ऑप्शन की लंबाई सबसे बड़ी हो, देख लेना किस ऑप्शन की लंबाई सबसे बड़ी है, उसको आंख बंद करके टिक मार देना भाई, 90% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहली ट्रिक, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसको टिक मार देना। और जैसे किसी बच्चे से एक पूरा सब्जेक्ट ही नहीं आता, मान लो मुझसे इंग्लिश नहीं आती है, अब इंग्लिश में आते हैं 30 क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन सी लिया और सी को मार दिया, मिनिमम तो 8 मार्क्स तो आने ही आने हैं, 8 से ज़्यादा ही आएंगे बच्चों, 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात, कुछ किया भी नहीं, सब्जेक्ट आता भी नहीं आपसे, फिर भी आप 10 मार्क्स, मान लेते हैं आपसे इंग्लिश में 10 मार्क्स हो पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो 10 नंबर आपके हो गए। क्वेश्चन कितने बचे? 20 क्वेश्चन बचे। अब 20 पे आपने एक ऑप्शन को मार दिया, कम से कम तो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं, तो 10 आपने अपनी मेहनत से कर दिए और 7-8 क्वेश्चन इससे हो गए, तो 18 मार्क्स आ गए बच्चों उस सेक्शन में जिसमें आपको डर लगता था। तो इसी टाइप से आपको ध्यान देना है, अब ऑप्शन कौन सा लगाना है। जैसे आप पूरे ही सब्जेक्ट पे अगर टिक लगाओ तो सी ऑप्शन को टिक लगा देना भाई, पूरे पे पेपर लेना और पूरे पे ही सी भर देना, लेकिन 60-70 क्वेश्चन आपसे पहले हो जाने चाहिए, उसके बाद लगा देना, फिर मेरी गारंटी आप पास हो गए, 100% पास हो गए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जैसे किसी बच्चे का, अब दूसरी कैलकुलेटिव मेथड जो मैंने रिसर्च किया है, जैसे आपका एग्जाम आए, आपने 10 क्वेश्चन करे, एग्जाम में जब आपने 10 क्वेश्चन कर दिए बच्चों पेपर पर, तो आप उस सेक्शन में देखना कि आपने सबसे ज़्यादा टिक कौन सा ऑप्शन किया है। जैसे CDP के 30 क्वेश्चन हैं, आपने 20 क्वेश्चन किए, अब 20 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आपने टिक किया था वो बी था या सी था, जो भी उसका राइट आंसर था, जिसका सबसे कम टिक आपने किया, जैसे बी के केवल 2 ही ऑप्शन थे जो आपने टिक किए हैं, तो जिसके सबसे कम टिक किए हों उसी के बाकी 10 क्वेश्चन में उसको ही टिक कर देना बस,
उसी को टिक कर देना। अगर आप पूरे सेक्शन पे मारते हो तो सी ऑप्शन को टिक कर देना भाई, आपका एग्जाम बिल्कुल हिट होता चला जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जब हो एक ही ऑप्शन को टिक करना है। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी करे हुए हैं बच्चों, उनको घबराना नहीं है। एक और बात बच्चों, जब आप सीटेट के एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको भीड़ मिलेगी बहुत। यहाँ पर मेरी बहनें होती हैं तो वो भीड़ को देखकर एकदम डर जाती है कि कितना कंपटीशन। बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। आपने जो तैयारी की है वो सबसे बेहतरीन है। तो आपको ऐसा लगेगा एग्ज़ाम में जब आप जाओगे कि आपसे कुछ आता ही नहीं है। कुछ भाई बहन को आज ही लगने लगा होगा कि हमसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसको लगेगा हम सब कुछ भूल गए हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसे हमने 10 से 12 बार दिया हुआ है बच्चों, पढ़कर भी बिना पढ़े भी, और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए भी हुए हैं। तो हम भी जब जाते हैं, क्योंकि हम भी इस परीक्षण के लिए ही जाते हैं, तो इस एग्ज़ाम में ऐसा लगता है बच्चों कि हमसे कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि ये सारा खेल ही समझ का है, इसमें आप बिना पढ़े भी पास हो जाओगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना है, बस एग्ज़ाम में ये सोच कर जाना है कि आपसे सारे क्वेश्चन आते हैं। चाहे किसी ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वो भी ये सोच कर जाए भाई मुझसे सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका एटीट्यूड बच्चों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप इस एग्ज़ाम को फोड़ कर रख दोगे। ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका क्या मिल सके भाई, बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो ऑप्शन सबसे लंबा है उसको बच्चों टिक करना है बच्चों। और जो बच्चे जिस बच्चे ने तैयारी की है बच्चों, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का ध्यान रखे, और बच्चों एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। और जिन बच्चों को टॉप करना है, जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको कन्फ्यूज़न हो, जैसे कोई हिंदी वाला बच्चा है उसको क्वेश्चन पे अटक गया, तो सामने जो इंग्लिश का, उसके सामने ही इंग्लिश वाला उसका बच्चों ट्रांसलेशन दिया होगा, तो उसको देख ले, इंग्लिश वाला हिंदी को देख ले। कभी कभी आप हिंदी के क्वेश्चन में उलझ जाते हो, कभी इंग्लिश के में उलझ जाते हो। मतलब बहुत, मतलब एक वीक से मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था कि बच्चों की कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। बच्चों स्टूडियो से बाहर आया था आपके लिए, देखो पसीना भी आ रहा है, फिर भी मन की बच्चों के लिए हमें वीडियो बनानी है, तो बच्चों बनानी है। तो आप सभी बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। अगर टिक मारना है तो एक ही ऑप्शन को टिक मारना है, सबसे ज़्यादा उसको टिक मारना है जिस पे आपने OMR में सबसे कम भरा हो। अगर आपको ऐसा भी नहीं पता तो आप सी ऑप्शन को लेना और टिक मार देना। अगर आपने 20 क्वेश्चनों पर टिक मारा तो कम से कम 5 मार्क्स तो आने निश्चित ही हैं। जो सबसे बड़ी लाइन हो एग्ज़ाम, जैसे एक क्वेश्चन आया उसकी जो सबसे बड़ी लाइन है उसको टिक कर देना पेडागोजी में, और आपका खेल समाप्त। और अगर आप देख सकते हो तो चैंपियन सीरीज में हमारी 5 वीडियो है, उनको देखकर चले जाना, आपका एग्जाम बेहद अच्छा होगा भाई। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें। टाटा बाय बाय, जय हिंद।